हाय एवरीवन, वेलकम टू कुक ईट वॉन्डर। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूँ संध्या और आज के व्लॉग में मैं आप लोग केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही सुंदर सा रिजॉर्ट दिखाने वाली हूँ। इस रिजॉर्ट का नाम है टेलिकेट। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये जटायु अर्थ सेंटर से बस 4 किलोमीटर की दूरी पर है। वेलकम, मस्त विला है गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा। देखिए, दिस इज़ अ बेड, ये पूरा ग्लास का है, मतलब पूरा आउटसाइड व्यू इज योर्स। बढ़िया सा यहाँ पे एंजॉय करिए, व्यू के साथ लेटिए। शेल्फ है, हेयर ड्रायर है और लगेज रखने का एरिया है। यहाँ पर एक मिरर है और दिस इज द वॉशरूम, लाइक यहाँ से ओपन है, लाइक यू कैन पुट द कर्टन्स। और दिखाओ मेरे को अंदर, ऐसे प्रेस करो, यहाँ प्रेस करो। हाँ, सो ये वॉशरूम है। ओके, दिस इज द वॉशरूम। और वॉशरूम में मिरर है, वॉश बेसिन है, ये टॉयलेट एरिया है, यहाँ पे टॉयलेट रोल्स हैं। और ये है शार एरिया, शार क्यूबिकल जैसा है पूरा। और यहाँ पर हॉट वाटर, मतलब गीजर लगा हुआ है, तो आप जब चाहो हॉट वाटर यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पर रखा है बाथ जेल और शैम्पू। सो ये नहाने के लिए टॉवल्स रखे हुए हैं यहाँ पे, ये वाला। एंड यहाँ बाहर सोने के लिए कम्फर्टर्स है, ये पूल टॉवल्स हैं, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। बाकी सारे सामान यहाँ पर है। यहाँ पर किंग साइज बेड है, यहाँ पर एक्स्ट्रा बेड है। हमारी बुकिंग 3 adults के लिए है, इसलिए एक्स्ट्रा बेड है, अदरवाइज यहाँ पर खाली रहेगा। और यहाँ से व्यू इज माइंड ब्लोइंग। एक क्विकली व्यू भी दिखा लेती हूँ, जो भी बेडरूम से व्यू दिख रहा है, पूरी ग्रीनरी, एकदम डेंस फॉरेस्ट के अंदर आप रह रहे हो, वो भी एक रॉक के ऊपर, रॉक हाउस बोल सकते हैं उसको। फिर यहाँ पर ना AC है, लैम्प है, फैन है, सब कुछ है। और द बेस्ट पार्ट इज ये सारे रिमोट कंट्रोल से आपको ऑपरेट करना है। तो AC तो ऑब्वियसली रिमोट होता ही है, बट लाइट के लिए, फैन के लिए, सब के लिए मतलब रिमोट है। यहाँ पर आपको दिखाना है बस, ये देखिए फैन ऑफ हो गई। अभी लाइट ऑन करने के लिए हमें ये मतलब L1, L2, L3 ये सब लाइट्स के हैं, तो इससे भी यहाँ पे करेंगे तो देखिए लाइट ऑन ऑफ तो रिमोट से हो रहा है। और ये बेस्ट पार्ट है इस रूम का, जस्ट लुक एट दिस, दिस इज अ बालकनी। तो यहाँ पर आपको रॉक दिख रहा है, इसी रॉक के ऊपर पूरा यू नो विला बना हुआ है। तो इट्स ऑसम रिजॉर्ट, मतलब एकदम ना हिल स्टेशन वाली वाइब आ रही है यहाँ पर। और एकदम डेंस फॉरेस्ट के अंदर है हम इस समय, और रॉक के ऊपर पूरा बना हुआ है। यहाँ पर आप खाना वाना खा सकते हो, और थोड़ा ध्यान रखिएगा, मतलब साफ पाक का, बिकॉज थोड़ा एकदम यू नो डेंस ग्रीनरी है। कहीं पर भी देखो आपको बस ग्रीनरी दिखाई देगी, और वहाँ पे माउंटेन्स, और वहाँ पर ऊपर देखिए जहाँ पर हमें कल जाना है, जटायु अर्थ सेंटर, वहाँ से दिखाई दे रहा है एकदम ऊपर, मतलब मस्त व्यू है गाइस, अमेजिंग। तो ये व्यू है, एंड इस तरफ मैं आपको दिखाती हूँ, रूम के इस तरफ से आपको पूल भी दिखाई देगा, तो ये पूरा बढ़िया पूल है। और वो वहाँ पे रिसेप्शन एरिया प्लस रेस्टोरेंट है। रात के डिनर के टाइम पे मैं वो एरिया भी आपको दिखाऊंगी। तो शाम के टाइम पे यहाँ पे बस पकोड़े बन पा रहे थे, तो हमने पकोड़े मंगाए हैं। इसमें 4 pieces ऑफ पकोड़े हैं, एंड ये हमने चाय मंगाया है, और ये यू के लिए मिल्क है, ये है शुगर। तो ये हमारा आज का स्नैक्स होने वाला है, गर्मा गर्म अनियन के पकोड़े, गर्मा गर्म है। बस यही कमी है कि ऑप्शंस की कमी थी, तो कुछ कुछ चीज़ें लाइक जैसे होता ना पूरा वास्ट मेन्यू, वैसा कुछ नहीं है, लिमिटेड चीज़ें रहेंगी, तो उनमें से आपको चूज करना पड़ेगा। तो शाम के लिए बस उल्ली वड़ा, दैट इज अनियन के पकोड़े हो पा रहे थे, तो ये हमने ऑर्डर किया है। और चाय ऑर्डर की है, यू के लिए दूध ऑर्डर किया है। चलिए चाय पकौड़े इन्जॉय करते हैं, वैसे टेस्ट अच्छा है। जो बना रही है इट्स अ लेडी फ्रॉम लाइक अ लोकल लेडी है, जो भी केरला की डिशेज होती है एकदम ट्रेडिशनल वाली, वही आपको मिलेगी, लाइक चाइनीज और वो उस टाइप का चीज़ एक्सपेक्ट मत करिएगा, एकदम जो भी देसी खाना होता है आपको मिल जाएगा। तो जो भी हम लोग ट्राई करेंगे सब कुछ मैं आपको बता दूंगी। एंड यस, अभी पकौड़े एंड चाय इन्जॉय करते हैं। गुड, ऊपर से आई गेस उसमें चाट मसाला भी डाला हुआ है, हल्का सा चाट मसाला का भी फ्लेवर आ रहा है, एंड इट्स गुड। चलिए अभी चाय ट्राई करते हैं। चाय इज गुड, केरला स्टाइल चाय है। चाय इस कंटेनर में आया है,
जिंजर इलायची कुछ नहीं होते, केरला की जो टिपिकल चाय होती है बहुत ही अच्छी है और वो है। और इस खूबसूरत व्यू के साथ हम लोग हमारा स्नैक्स इंजॉय कर रहे हैं। तो यस, मैं ये फिनिश करती हूँ एंड उसके बाद आपसे करती हूँ। एंजॉय। वो मैम इज गेटिंग रेडी फॉर पूल टाइम। दिखाइयो। रेडी, चलो लेट्स गो। ये पूल ड्रेस और ये गॉगल्स लिया था फ्रॉम डेकाथलॉन, तो मुझे काफी अच्छा लगा इसका क्वालिटी। तो ये पूल के टाल्स है तो इसको भी लेके जाएंगे। और इवो एंड पापा जी ये सौरभ भी अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन चुके हैं एंड यहाँ पर इवो मैडम भी रेडी है। लेट्स गो। ये हमारा रूम है विला एंड यहाँ पर पूल जाने का रास्ता है। वो वॉशरूम वो एक ओपन है टॉयलेट एरिया है, अगर किसी को खुले खुले में एकदम कि नेचर्स कॉल अगर नेचर से कनेक्टेड फील करते हुए करना है तो यहाँ पर ये पूल बेड्स भी है एंड यस तो मैं बैठने जा रही हूँ पूल। या यहाँ पे शार एरिया है, पूल में जाने से पहले एक शार ले सकते हैं आप। इवो एंड पापा जाएंगे और मम्मा ये पूल बेड में एंजॉय करेगी। ये मैडम देखो कितनी खुश है, इसको पूल टाइम बहुत ज्यादा पसंद है। कल कन्याकुमारी के बीच में नहाई है, आज मैडम यहाँ पे पूल नहा रही है। क्या हुआ? इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। मजा आ रहा है। सो ये देखिए पूल है, इट्स एन इंफिनिटी पूल, तो वहाँ पे पूरा एज है, वहां से आप खड़े होकर पूरा यू नो ट्रीज का व्यू सब ले सकते हो, पूरी ग्रीनरी एंजॉय कर सकते हो। वहां पर सन दिखाई दे रहा है, आई होप यू कैन सी। ये कौन सा स्विमिंग स्टाइल बोलते हैं इसको? फैशन शो वाला। फैशन शो वाला स्विमिंग शो इसको बोलते हैं मंकी स्विमिंग। मंकी स्विमिंग बोलते हैं इसको। नहीं। बढ़िया है ना, बेबी पूल नहीं है तो ऐसे स्विमिंग कर सकते बच्चे। खुला आसमान, यहाँ पर ये पूल बेड और यहाँ पर ये दोनों पापा और बेटी मुझे एंटरटेन कर रहे हैं। मजा आया। मैं यहाँ पर बीच बेड में थोड़ा रिलैक्स कर रही हूँ। वैसे क्लाइमेट काफी अच्छा है, बाहर बिल्कुल गर्मी नहीं है, वैसे भी शाम हो चुकी है। इट्स गुड, पूरा पैसा वसूल लग रहा है। नाइस। पानी में उतर पाती तो और ज्यादा मजा आता, बिकॉज ये दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं और इट्स फन। दिस प्लेस इज अमेजिंग। हेलो, we both are together, you both are together। हाँ, actually मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ पर एक और है। तो वन बेबी इज विथ मी, वन बेबी इज विथ सौरभ। हेलो, दिस बेबी इज विथ सौरभ। तो यस, हम दोनों यहाँ पर रिलैक्स कर रहे हैं एंड तो प्लान ये है कि कल हम जाएंगे जडायु अर्थ सेंटर। इट्स गोइंग टू बी लाइक अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, मैंने बस फोटोज में देखा है एंड कल रियल में देखेंगे। एंड वहाँ पे आई गेस रोप वे रोप कार वगैरह होता है, तो जो भी है डिटेल्स मैं आपको कल के वीडियो में दूंगी। आज का वीडियो होने वाला एकदम चिल्ड आउट रिजॉर्ट वाला व्लॉग, एकदम मस्त विला है गाइस। तो हमारे जो होस्ट है शी इज फ्रॉम फिनलैंड और तो 15 साल से यहाँ पे है और बहुत ही स्वीट है। लाइक एक्चुअली जब हमने बुकिंग किया था, बुकिंग के लिए जो नंबर पे आपको कॉन्टैक्ट करना है वो नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट कर दूंगी एंड वेबसाइट का एड्रेस सब कुछ दे दूंगी एंड उसमें आपको बस मैसेज करना है एंड आपकी बुकिंग हो जाएगी। एडवांस में हमने 1500 रुपीज़ पे किया था और रूम का प्राइस क्या 5800 विद GST इज 5800। लेकिन हम लोग 3 adults और 1 child तो Hello. आपके साथ जितने लोग हैं उन पर डिपेंड करेगा। और विथ ब्रेकफास्ट है रूम एंड ऑल्सो और क्या बताऊँ मैं आपको। हाँ तो बस प्लेस है, मतलब मुझे तो पूरा पैसा वसूल लगा और मतलब एकदम मेक श्योर करना कि आप पूल का जो भी कपड़ा वगैरह है वो सब लेकर आए ताकि आप
मस्त इंजॉय कर पाओ. मतलब पूल टाइम इज द यूएसपी. और ऑल्सो इनका जो बालकनी से व्यू है सो गुड. जडायू अर्थ सेंटर भी वहाँ से दिखाई देता है हल्का सा. तो जडायू अर्थ सेंटर यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे ही है. तो एकदम वहाँ पर अगर आप विजिट करते हो तो इस रिजॉर्ट में पहले चिल करिए एक दिन, और अगले दिन मॉर्निंग आप जाइए जडायू अर्थ सेंटर विजिट करिए. एंड लाइक वन डे इज़ परफेक्ट. और आपके पास ज़्यादा दिन हो तो और भी बढ़िया है, और भी आप इंजॉय कर सकते हो. बट देन यस, वन डे इज़ इनफ. बस खाने पीने का थोड़ा सा इशू है. इनका जो भी रेस्टोरेंट है वो ओनली गेस्ट के लिए है, लाइक बाहर के लिए सब ओपन नहीं है. तो इट्स नॉट लाइक अ प्रॉपर रेस्टोरेंट काइंड ऑफ, मतलब थोड़ा सा होम स्टे टाइप का है. तो इसलिए इनके पास जो भी अवेलेबल होता है, लेकिन फ़िश चिकन वगैरह सब रहती है. और ब्रेकफास्ट में किस एग वगैरह भी मिल जाएगा, बट लाइक ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है प्राइस में. एंड अदरवाइज लाइक आपको जो भी चाहिए आपको पहले से इन्फॉर्म करना पड़ेगा, सो दैट दे कैन चेक कि वो अवेलेबल है कि नहीं है. तो वेजिटेबल वगैरह मिल जाएगा, तो वेज कुरमा, वेज मिक्स वेज, उस टाइप की चीज़ें, और चपाती चपाती राइस वगैरह भी आपको मिल जाएगा. एंड राइस के साथ यू कैन हैव मिक्स वेज करी, या फिर चिकन फिश, फिश फ्राई में भी है, रोस्ट में भी है, और करी में भी है. सेम इज़ फॉर चिकन. चिकन भी आपको रोस्ट, फ्राई, ग्रेवी सब मिल जाएगी. तो यस, क्वाइट गुड. अब यहाँ पे लाइट भी ऑन हो गई है, बहुत ही सुंदर लग रहा है इस समय पूल. वहाँ पे बस लाइट ऑन हुआ है. क्यों? ऐसे नाइट हो गया तो अच्छा लगेगा ना. सो एवरीबडी इज डन विद देयर पूल टाइम्स. और एकदम ना वाइल्ड लाइफ लग रही है. मतलब ये रहा हमारा विला, दिख रहा होगा आपको ये. हाँ, ये वाला रॉक के ऊपर एकदम, और एकदम वाइल्ड एक्सपीरियंस गाइस. मज़ा, एकदम मज़ा है. है डिनर का टाइम एंड हम लोग डिनर के लिए जा रहे हैं अभी रेस्टोरेंट में. लेट्स गो. अभी हम लोग चलते चलते आ गए हैं इनके डाइनिंग एरिया पे. तो यही है इनका डाइनिंग एरिया, और अंदर इनका किचन एरिया है. और देखिए कितना सुंदर सा है, बहुत ही एस्थेटिकली सब कुछ अरेंज किया हुआ है. डाइनिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी लग रहा था. और दिस इज़ मी वेटिंग फॉर द फूड विद दिस गॉर्जियस रोमांटिक व्यू गाइस. बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था नाइट टाइम में. मतलब ब्यूटी एकदम अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. दिन में भी काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन रात में तो बात अलग ही है. और खाना भी हमारा आ गया है. ये मम्मी ने ऑर्डर किया है राइस विद सम फिश करी, तो बहुत ही यमी लग रहा है ये भी. एंड हमने ऑर्डर किया है एक वेज कुरमा और इडियापम. मैं अपने लिए एक इडियापम ले रही हूँ, और इसकी साइज़ भी काफ़ी बड़ी है. और इसे हम ट्राई करेंगे वेज कुरमा के साथ. कुरमा भी काफ़ी गर्म है, बिकॉज़ यहाँ पर ना जैसे मतलब होममेड खाना ही है सब कुछ. तो आप बता सकते हो आप कब तक डिनर के लिए आने वाले हो. तो हमने टाइमिंग ऑलरेडी बता के रखा था, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ऑलरेडी सब कुछ रेडी रखा था. सो यस, इसे ट्राई करेंगे, इडियापम और वेज कुरमा का ये क्लासिक कॉम्बिनेशन. तो यहाँ पर आपको एकदम टिपिकल जो केरला की डिशेज होती है वो आपको यहाँ पे मिलेगी. एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी भी था, मतलब एकदम होममेड खाना. मतलब मम्मी का भी जो फिश करी एंड राइस था वो भी मम्मी ने बताया बहुत ज़्यादा टेस्टी था. तो सब कुछ बहुत ज़्यादा डिलीशियस था. बढ़िया वाइल्ड के व्यू के साथ हम लोग सो रहे हैं. एंड यस, दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आवर बेड. नीचे देखिए एक और रिजॉर्ट है. तो ये दो ही रूम्स हैं यहाँ पर, और मस्त है, ऑसम. इट इज़ वाइल्ड. तो यहाँ पर एक ही चीज़ है कि इस तरीके का इंसेक्ट कहाँ गया. यहाँ पर ये देखा था मैंने अभी, एक मिनट. तो ये एक इंसेक्ट है जो ना मतलब अब वाइल्ड है, तो इस तरीके का एक इंसेक्ट है जो आपके रूम में घुस सकता है. तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सनसेट होने के बाद ना ज़्यादा डोर को ओपन मत करिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं. मतलब वैसे ही इंसेक्ट काटती तो नहीं है, बट ऑब्वियसली रूम में हो तो अच्छा नहीं लगता. देखिए यहाँ पर भी ऊपर से घूम रहा है. वाइल्ड है तो थोड़ा बहुत तो ऐसा हो ही जाता है, लेकिन ऐसा कोई परेशानी नहीं हो रही है. हम लोग मतलब इतने देर से लेटे ही हुए थे, कुछ ट्रबल नहीं हुआ. और हमने जब डिनर के लिए थोड़ा सा डोर खोला था तब वो अंदर आ गया था. तो अदरवाइज लाइक अगर आप डोर ज़्यादा नहीं खोलोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा खोल दोगे तो थोड़ा बहुत आ जाता है. तो उसको लाइक थोड़ा मैनेज करना पड़ता है. सो यस, अभी हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए, और मैं आपसे मिलूंगी कल सुबह. बिकॉज यहाँ पे रूम के साथ ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ब्रेकफास्ट क्या होने वाला है. सो यस, सी यू टुमारो, गुड नाइट, बाय बाय. गुड मॉर्निंग गाइज, अभी जस्ट उठे हैं, और अराउंड 6:30 हुआ है. अभी 6:30 क्रॉस हो गया वैसे. और दिस इज़ द व्यू.
फ्रॉम द बेड लाइक यहाँ से उठी मैं एंड दिस वाज द व्यू. कर्टन्स हमने पूरा टाइम हटा के रखा था बिकॉज बहुत ही सुंदर सा व्यू है. लाइक कर्टन तो मतलब कर्टन तो बस धूप में बेटर है लगाइए आप, बाकी टाइम इन्जॉय करिए ये व्यू. और ऐसे भी नहीं है कि कोई प्राइवेसी के इशू पे पूरा मतलब कोई है ही नहीं यहाँ पे, लाइक पूरा जंगल है. वहाँ पर एक विला है, इनका दो विला है वैसे तो, एक ये है और एक वहाँ पर है, और वो भी मतलब वो आपको देख नहीं सकते ना आप उनको प्रॉपरली देख सकते हो. डिसकनेक्टेड फ्रॉम एवरी प्लेस. ये वो गिर जाएगा इधर आ जाओ अंदर. इट फील्स सो गुड, लाइक इट्स लाइक आप एकदम नेचर के बीच में हो एंड दिस एक्सपीरियंस आई नेवर एवर फॉरगेट बिकॉज आज तक का सबसे बेस्ट रिजॉर्ट आप बोल सकते हो. मतलब आई लव्ड इट एक्सेप्ट फॉर खाने में जो प्रॉपर रेस्टोरेंट चीज़ मैं मिस करी थी, बट खाना जो भी हमने ट्राई किया बहुत ही टेस्टी था. बहुत ही लिमिटेड आइटम्स थे बट जो ट्राई किया टेस्टी था. बट इफ़ यू फॉरगेट दैट पार्ट, बिकॉज वो पार्ट मैं क्यों फोकस कर रही हूँ, बिकॉज आई एम अ फूडी तो मुझे मतलब फूड में ऑप्शंस हो तो ज़्यादा अच्छा लगता. बट अगर उसको हटा दें दिस इज़ हेवन. अभी मैं जस्ट उठी हूँ, अभी थोड़ा फ्रेशन अप होकर मैं आपको अराउंड द प्रॉपर्टी दिखाऊंगी बिकॉज मैंने अभी तक आपको बाहर का एरिया नहीं दिखाया, तो वो भी दिखा दूँगी. ओनली पूल दिखाया था ना कल, तो बाहर का एरिया भी दिखा दूँगी. सो यस, सी यू सून. अभी हम लोग बाहर चलेंगे एंड बाहर के कुछ वीडियोस ले लेंगे एंड फिर प्लान ये है कि ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएंगे और ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे एंड चेकआउट भी कर लेंगे बिकॉज यहाँ पे चेकआउट टाइम 11 है, तो आप लाइक 12 तक तो एक्सटेंड करा सकते हो, बट देन जटायु रॉक 10 बजे खुल जाता है, तो हमने सोचा कि 9 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद आराम से चेकआउट कर लेते हैं एंड फिर जटायु रॉक जाकर फिर वहीं से निकल जाएंगे कोच्ची के लिए. तो यस, दैट्स अ प्लान. तो ये रहा हमारा विला एंड दूसरा जो बेडरूम वाला साइड है वहाँ से भी मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ. बहुत सुंदर लगेगा बाहर से, क्यूट लगेगा. तो वो भी दिखाई थी, देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से वॉक करने में एकदम पत्थरों में. ये देखो वो है हमारा वाला. अभी बहुत फॉगी है एंड दिस इज द सेकेंड विला. तो यहाँ पर आई गेस ट्विन बेड है दो. यहाँ पर देखिए रबर के बहुत सारे ट्रीज़ हैं एंड ये देखिए जैक फ्रूट का, कितने बड़े बड़े जैक फ्रूट है इसके अंदर, इसके ऊपर लगे हुए हैं. वाह, मस्त लग रहा है. तो आई गेस यहाँ तक ही जा सकते हैं. तो यहाँ पर पूरा रॉक है, उसके बाद चलने का कोई पाथ नहीं है, तो यहाँ तक ही चलने का पाथ है जहाँ तक नेक्स्ट विला है. तो लेट्स गो बैक. हाँ, उस तरफ चलते हैं अभी पूल की तरफ एंड पार्किंग एरिया भी मैं आपको दिखा देती हूँ. गुड मॉर्निंग. ये देखिए पूल, अभी सफाई चल रही है. तो वो बाउंड्री है एंड यहाँ पर गाड़ी वगैरह पार्क करने के एरिया, वहाँ पे हमारी गाड़ी रखी हुई है. यहाँ पर भी एक जैक फ्रूट है और यहाँ चलते हैं अभी. अभी हम लोग रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं. कल रात का व्यू तो मैंने दिखाया था, दिन का भी एक बार दिखा देती हूँ. ये रेस्टोरेंट है, इधर ही हम कल बैठे थे. यहाँ पे बुक्स भी रखे हुए हैं अगर आपको कुछ रीड करना हो तो. और रिसेप्शन एरिया यही था, यहीं पे बैठ के हमने चेक इन किया था एंड यहाँ से हमारा विला भी दिख रहा है. ये देखिए सुबह सुबह यहाँ पर पूजा भी हुई है गैस. तो ये अंदर इनका किचन है और यहाँ पर सारी चीज़ें रेडी कर रहे हैं. मैं सारे जैक फ्रूट्स हैं, माय गॉड. बेबी इसमें देखो कितना सारा. देखो अगर यहाँ पे आप देखोगे ना तो मैक्सिमम आपको रबर की ट्रीज दिखेंगे. तो यहाँ पर रबर प्लांटेशन सबसे ज़्यादा. देखो वहाँ पर तो पूरा भर के मतलब डेंस रबर ट्रीज है. और इसमें देखिए उसका जो भी पल्प टाइप का रहता है ट्री से बार्क से जो निकलती है वो यहाँ पे कलेक्ट हो रही है. बहुत सारे ट्रीज हैं यहाँ पे, देखिए सब में लगे हुए हैं ऐसे कटोरेस. ये देखिए इस ट्री के ऊपर कितने सारे मैंगोज दिखाई दे रहे हैं. वाह, इमली का पेड़ है ये, इमली दिखाई दे रही होगी.
क्या मस्त जगह है बेबी क्या मस्त जगह है। और ऐसे जगह पे रहने में ना आप खाना वाना सब मतलब एक साइड रखिए, बट एक्सपीरियंस पे फोकस करिए, लाइक इट्स फुल पैसा वसूल एक्सपीरियंस। मैं 100% ये प्लेस रिकमेंड करूँगी। आप जडायू रॉक डेफिनेटली आइएगा एक दिन और यहाँ पर रहिएगा। ट्रिवेंड्रम से आई गेस 2 आवर्स जैसा डिस्टेंस रहेगा। ये कन्याकुमारी से हमें 3.5 आवर्स लगा है। तो पूल में आए हैं फिर से थोड़ा सा इन्जॉय करने के लिए। देखिए बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है बर्ड हंस रहा है कोई जोक पे हंस रहा हो। क्या शो ये ऊपर से गिरा था, हमने सोचा क्या है, देखो कैशू का पेड़ है, कैशू का पेड़ है, तो आई थिंक कोई बर्ड इसे काटने का ट्राई कर रहा था तो ऊपर से गिरा। तो दिस इज कैशू का पेड़ उस तरफ जो दिख रहा है हमारे जस्ट रूम के ऊपर। कल रात को भी आवाज आई थी कुछ तो गिरने की, कैशू ही गिरा होगा। देखो ये वो इसको ना ड्राई करते हैं, उसके बाद इसका ना इसको फिर फायर में डालते हैं, उसके बाद इसका छिलका निकालते, फिर कैशू नट निकलता है इसके अंदर से। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए इनके डाइनिंग एरिया में फिर से आ गए हैं और ब्रेकफास्ट में रखे हैं फ्रेश जूस। तो ये वाटरमेलन का जूस रखा हुआ है और यहाँ पर कट फ्रूट्स रखे हुए हैं, इसमें पाइनएप्पल है और एप्पल है और यहाँ पर बनानास भी रखे हुए हैं। यहाँ के होस्ट को एस्थेटिक और डेकोर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उन्होंने यहाँ पे देखिए कॉफ़ी के जो कंटेनर्स होते हैं उसको भी रीयूज़ किया है, ग्लास कंटेनर्स फॉर सर्विंग जूस, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये वाटरमेलन जूस, काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग था, टोटली एंजॉयड इट। अब ट्राई करेंगे कुछ कट फ्रूट्स, तो पाइनएप्पल तो मैं खा नहीं सकती तो मैं एप्पल ट्राई कर रही हूँ। एप्पल का भी जो आउटर छिलका है वो भी इन्होंने पील किया है, तो आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट, लाइक इट। ब्रेकफास्ट में हमें सर्व हुआ है सेट डोसा और उसके साथ चिकपी की करी, छोले की करी। तो ये कॉम्बिनेशन इससे पहले मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस। ये डोसा और चिकपी करी, छोले की करी को एंजॉय करते हैं, एंड दिस कॉम्बिनेशन वाज रियली डिलीशियस, मतलब वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन लेकिन बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, टोटली एंजॉयड द ब्रेकफास्ट। आई ट्राइड उसके बाद ब्रेकफास्ट में हमने ट्राई किया एक एग ऑमलेट, और ये देखिए क्लोजअप में आपको दिखा रही थी, इसमें अनियन टमाटर और ग्रीन चिलीज डाले हुए हैं और एकदम अच्छे से बीट किया है, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फ्लफी दिख रहा है ये ऑमलेट, और खाने में भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, लाइक आई टोटली एंजॉयड एवरी थिंग दैट आई ट्राइड फ्रॉम दिस प्लेस। रूम, नेचुरल ब्यूटी, स्विमिंग पूल, होस्ट, खाना, सब कुछ ही बहुत ही परफेक्ट है। डाइनिंग एरिया के बगल में ही ये पॉन्ड है जिसमें लोटस का प्लांट है और काफ़ी सारे फिशेज भी है। Baby. So that's all for today, guys. I hope आज के रिजॉर्ट का व्लॉग आप लोगों ने इंजॉय किया, और अगर इंजॉय किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और एक नीचे छोटा सा कॉमेंट भी मिले छोड़ के जाएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। अगले व्लॉग में हम लोग जटायु अर्थ सेंटर एक्सप्लोर करेंगे, तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं हर सैटरडे फूड एंड ट्रैवल रिलेटेड वीडियोज़ डालती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।